हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? अच्छा कर रहे होगे, अपना जो भी सीख रहे होगे अच्छे से सीख रहे होगे। दोस्तों हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमें और कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं जिससे कि आपको सुविधा हो। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग टेल एंड तक खत्म करेंगे। प्रोजेक्ट को जो जो सीरीज आज इवनिंग से आने लगेगी, अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब एडिटिंग बाकी है। तो वो सीरीज हम लोग लगभग 5 to 10 पार्ट्स में लेके आएंगे, जितने पार्ट्स में कंप्लीट कर सकेंगे। उसमें आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, रेविट के अंदर भी और स्केचअप के अंदर भी और ऑटोकैड के अंदर भी, मतलब तीनों का सीरीज लेके आ रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट के लिए। सो होप आप लोग उसको देखोगे और साथ ही साथ शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के जो वीडियो है, ये वीडियो मोनोलिथिक स्टेयर के ऊपर है। किसके ऊपर है? मोनोलिथिक स्टेयर। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, रैबिट के अंदर स्टेयर्स नहीं बना पाते प्रॉपर, ठीक है? तो मैंने सोचा उनको आज मोनोलिथिक स्टेयर पढ़ा दूंगा, तो बहुत ही इजिली वो स्टेयर्स बना सकते हैं। देखिए क्या होता है मोनोलिथिक स्टेयर, राइट? जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके मैंने स्टेयर बाई कंपोनेंट करते हैं, स्केचअप तो आपको पता है, स्टेयर बाई कंपोनेंट करते हैं। तो जैसे ही आप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, हमको पता नहीं रहता कि हम लोग कितने राइज ले रहे हैं, कितना ट्रेड ले रहे हैं। तो आज आपको एक बहुत ही सरल तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करके मोनोलिथिक स्टेयर यहाँ पे होता है। इस मोनोलिथिक स्टेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो ये आपसे हर एक डाटा पूछता है, ठीक है? आप मोनोलिथिक स्टेयर पे जाइए, ठीक है? तो ये आपको दिखाएगा कि कहाँ बेस ऑफसेट इसका कितना लेना है। बेस ऑफसेट बोले तो नीचे से कितने, मतलब कि हाई लेवल से स्टार्ट करना है कि एकदम नीचे से स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ एडिट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपसे पूछता है मैक्सिमम राइजर, लाइक राइजर वाले समझ ना, जो ऊपर का पार्ट मतलब उठने के लिए कितना राइजर चाहिए। तो उसके लिए अब लोग हम लोग 6 इंचेस स्टैंडर्ड हमारा, तो हम लोग 6 इंचेस देना चाहिए। कुछ जगहों पे जब जगह की कमी हो तो 7.5 भी दे सकते हैं। ये होता है ट्रेड। ट्रेड मीन्स जिसके ऊपर आप पैर रखते हैं स्टेयर में, तो वो हम लोग रखते हैं 9 इंचेस का, ठीक है? यहाँ पे 9 इंचेस दे दिया। मिनिमम रन विड्थ, उसकी जो विड्थ होती है स्टेयर्स की, हाँ वो बिल्ड हम लोग 3 फीट लेते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के। तो आपको जो भी डाटा लेना है यहाँ पे फिट कर दीजिए, और फिट करने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? अप्लाई कर दीजिएगा। ये नोजिंग होता है, नोजिंग में थोड़ा सा उसमें नोज निकला रहता है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, आपको अगर दो तीन बनानी है तो आपको डुप्लीकेट बना लेना चाहिए, ठीक है? अभी मुझे एक ही बनाना है तो मैं जस्ट ओके कर दूंगा। डुप्लीकेट के लिए मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। अब हाँ, एक समस्या और आपके साथ आती है, या प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं बना पाते हो। मीन्स ऐसे करोगे आप लोगों सर कितने में बना पता ही नहीं चलता, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ, ऐसे किया और ये आपको इस सेंटर टू सेंटर चलता रहता है, तो आपको पता नहीं चलता हमको किस कॉर्नर से लेके चलना है। मतलब बगल में अगर वॉल है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अभी देखिए ये फ्री हैंड है क्योंकि ये अगल बगल कुछ बना नहीं है, तो बहुत इजिली आपने बना दिया इसको। बट आपके साथ प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके पास एक वॉल होती है, और जब हम बोल देते हैं कि स्टेयर्स बना के दिखाओ, तो आप क्या करते हो? आप स्टेयर्स पे तो जाते हो, लेकिन स्टेयर्स पे जाने के बाद मोनोलिथिक भी हमने सेट कर रखा तो आ रहा है। अब यहाँ से कहाँ से ले, ये मतलब ये डिस्टेंस समझ नहीं आता कि यहाँ से ले कि यहाँ से ले कि यहाँ से ले, कंफ्यूज रहते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपके लिए सरल तरीका है लोकेशन। लोकेशन पे जाइए और यहाँ पे जाके आप बताइए कि लेफ्ट से चाहिए कि राइट से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए कि राइट से चाहिए, ठीक है? जैसे लेफ्ट कर दिया हमने, फिर जब हम लोग गए, तो जब हम लोग यहाँ पर गए हैं, तो अब हम लोग आराम से थोड़ा सा जगह हमने छोड़ दिया है जिससे कि वहाँ से लाइटिंग हो सके। ये देखिए इस तरीके से गए, और यहाँ जाने के बाद फिर इस वॉल पे गए और ये देखिए प्रॉपर बन गया। और ये बनने के बाद आप फटाफट इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है? तो ये बहुत ही इजी मेथड है। कौन सा मेथड है? ये मोनोलिथिक स्टेयर्स, ठीक है? और ये मेथड मेरे अकॉर्डिंग, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ क्योंकि बहुत ही यूजफुल है मोनोलिथिक स्टेयर्स, ठीक है? होप आपको समझ में आया होगा मोनोलिथिक स्टेयर्स। अब मोनोलिथिक स्टेज के बाद कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर जैसे कि मुझे कुछ ड्रॉ करना होता है, तो मुझे कभी कोई चीज ड्रॉ करना है इस प्लेन पे, तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं इस प्लेन पे कैसे ड्रॉ करूँ। जैसे कि मैंने बोला कि एक बॉक्स ड्रॉ करो इसके ऊपर, ठीक है? तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि इसके ऊपर बॉक्स कैसे, क्योंकि जब आप यहाँ जाते हो, जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पे जाके मॉडर्न प्लेस, और यहाँ पे जाके केस वर्क पे जाके ओके करते हो, आप यहाँ से जब एक्सट्रूजन लेते हो तो आपको लगता है अरे यहाँ कैसे बनेगा।
उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको शो पे क्लिक करके पहले सेट करना पड़ेगा। सेट पे जाके पिक अ प्लेन, ओके। अब तुम जब लोगे, सॉरी अभी मैंने लिया नहीं था, शो सेट और उसके बाद पिक अ प्लेन, ओके। अब कौन से प्लेन पे काम करना है, मैंने बोला इस पे करना है, ये देखो प्रॉपर आ गया ना प्लेन। अब इसके बाद कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर ये व्यूअर का क्या काम होता है? व्यूअर का काम क्या, बहुत मजेदार है, देखो व्यूअर को ऐसे रख दो। अब तुम जैसे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करोगे, मतलब इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, देखो नीचे यहाँ पे देखो व्यूअर में, क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो आपको प्रॉपर पूरी चीज दिखाई नहीं देती ना, तो आप उसमें जो हाईलाइट पोर्शन है उसको व्यूअर कर सकते हो। और उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो व्यूअर में भी दिख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, जितना तुमको आगे एक्सटेंशन करना कर दो और करने के बाद यस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग व्यूअर कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एडिट वर्क प्लेन के थ्रू हम लोग इजिली कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए। कुछ फ्रेंड्स ने बोला है कि सर पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट करके दिखाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कमांड्स तो यूट्यूब पे ही मिल जाते हैं, राइट यार, थोड़ा सा मुझे समय दो, क्योंकि लाइक हमारा भी ऑफिस होता है, तो मैं आज से वो मतलब मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, अभी उसकी एडिटिंग बाकी है, तो आज से मैं आपको एक एक वीडियो प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पूरा प्रोजेक्ट करते हैं। रेविट में भी लेके आने वाला और स्केचअप पे भी, और किसी सॉफ्टवेयर में कोई डिमांड है आपकी तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करिए। आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वहां से आप कॉल व्हाट्सएप करिए, और अगर कोई जरूरी काम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।